नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी बोलोजी में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको पर्सनालिटी क्या होता है ये बताया। आज हम जानते हैं मैस्लो के थ्योरी के द्वारा कि पर्सनालिटी के कितने स्तर होते हैं, कैसे कैसे लोगों की पर्सनालिटी बनती है और किस स्तर के व्यक्ति से कैसे आपको डील करना चाहिए, ये जानते हैं हम मैस्लो के थ्योरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जाने अपने पर्सनालिटी को कि किस स्तर की है आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपके रहन सहन किस स्तर का है, इसे हम जानते हैं। तो मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, उसमें इस थ्योरी का सबसे अधिक यूज बैंकिंग सेक्टर में, आपका मार्केटिंग सेक्टर में, बिजनेस में बहुत अधिक इस थ्योरी का यूज होता है। ये थ्योरी पांच स्तर में है। सबसे पहले है ये थ्योरी व्यक्ति के स्तर को बताती है कि कोई व्यक्ति किस स्तर का है। तो सबसे पहला स्तर आता है दैहिक आवश्यकता। हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है उसकी दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता मतलब हो गई जैसे खाने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, अपने आप को सुरक्षित रहने की आवश्यकता, जानवरों से, बारिश से, मौसम से बचा के रखने, ये सबसे नीचे की आवश्यकता आती है, इसे कहा जाता है दैहिक आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरी आवश्यकता की सुरक्षा की आवश्यकता। जब हम दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो जैसे ही हमारी दैहिक आवश्यकता पूरी होती है, हमारे पास खाना पानी ये सब आ जाता है, तो हम अपनी दूसरी आवश्यकता पूरी करने जाते हैं जिसको कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, अपने दुश्मनों से घर बनाते हैं। दूसरी आवश्यकता आती है, तीसरी स्तर में आती है स्नेह की आवश्यकता। जब हम अपने ये नीचे दैहिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता को पा जाते हैं तो फिर तीसरी अवस्था में स्नेह की आवश्यकता आती है। स्नेह की आवश्यकता मतलब अपने जैसों से प्यार पाना, दूसरों को प्यार देना, एक इज्जत पाना। तीसरी आवश्यकता आती है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान, जिस इंसान के पास भोजन घर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, स्नेह पा लेता है, तो फिर वो सम्मान पाना चाहता है। नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, समाज में एक खास पोजीशन प्राप्त करना, ये आवश्यकता हमारी चालू होती है। और सबसे लास्ट हमारी आवश्यकता आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिस पे बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकता मतलब हो गया कि वैसी आवश्यकता जिससे आप अपने आप को समझते हैं, जिससे साधु संत होते हैं, वो लोग ये सारी आवश्यकताओं को पूरी करके लास्ट वाली आवश्यकता पे जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उनके अंदर क्या क्षमता है, भगवान क्या है, कैसे हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, क्या क्या हमारे अंदर अपनी क्षमता है, जिस क्षमताओं को समाज के विकास के लिए यूज कर सकते हैं, ये लास्ट आवश्यकता है ये। और इसमें क्या होता है कि ये सारी आवश्यकताओं को पहुंचने के लिए इंसान के अंदर एक मोटिव आता है, जिसके कारण ये आवश्यकताओं को पहुंचता है। सबसे पहले इंसान निचली जो आवश्यकता होती है दैहिक आवश्यकता, उसको पाने के लिए बेचैन करता है। वो अगर आवश्यकता नहीं मिलेगी तो इंसान उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कोई नियम कानून वो मानने के लिए तैयार रहता है। जैसे खाना, अगर किसी इंसान को भूख लगे तो कोई भी कार्य कर सकता है। दूसरी आवश्यकता में सुरक्षा की आवश्यकता, ये थोड़ी उससे कम आती है, 70% इस आवश्यकता की जरूरत होती है इंसान को। फिर ऊपर जाता है स्नेह की आवश्यकता 50%, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका 10% ही लोग आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंच पाते हैं। ये हुआ स्तर, कौन कौन से स्तर में क्या क्या पर्सनालिटियाँ बनती है। जैसे अगर आप कहीं बिजनेस करने जा रहे हो, किसी को समझाने को जा रहे हो, तो आप निचली दैहिक आवश्यकता जिस इंसान की पूरी नहीं हुई हो, उस इंसान को आप आत्मसिद्धि की बातें नहीं बता सकते। किसी गरीब को आप ज्ञान नहीं दे सकते, सबसे पहले उसे भोजन देना पड़ेगा, फिर आप ज्ञान दें। तो मार्केटिंग में, बैंकिंग सेक्टर में यही देखा जाता है। अगर इंसान का स्तर देखा जाता है, वो किस स्तर का, जिस स्तर का रहता है उससे उसी स्तर से बात किया जाता है। अगर देखा जाता है कि कोई इंसान ये तीनों चीजें प्राप्त कर चुका है, दैहिक, सुरक्षा और स्नेह की आवश्यकता, तो उससे कहा जाता है कि आप कार खरीदिए, कार के लिए लोन दिया जाता है कि आप समाज में सम्मान पाए।
तो ये मनोवैज्ञानिक पांच अवस्थाएं होती हैं जिसका प्रयोग बिजनेस मार्केटिंग हर जगह होता है, और इसका आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए इस अवस्थाओं का, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर आप सेल्समैन हैं तो आप समझ सकते हैं किस व्यक्ति से किस स्तर पे बात करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस तरह की प्लानिंग बना सकते हैं कि व्यक्ति को उस अवस्था में किस तरह का अपना प्रोग्राम दिया जाए। जैसे आप सुरक्षा की आवश्यकता में किस तरह का प्रोग्राम दे सकते हैं अगर इस सेकेंड स्थिति में व्यक्ति है तो। और इन्हीं पांच अवस्थाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी बनती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि यहाँ पे आने वाले हर वीडियो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।